अस्सलाम वालेकुम एवरीवन माइसल सेल्फ अनिका निहाल और आप देख रहे हैं सेहत जो प्रेजेंट्स रखे दिल का ख़्याल पिछली तमाम एपिसोड्स की तरह इस बार भी हमारे साथ एक एमिनेंट कार्डिकलेक्ट्रो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल मुईद हु इज़ अ कार्डिकलेक्ट्रो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट एट एन आई सी बी डी इज़ अ फेलो ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स कार्डियोलॉजी ही इज़ अ फेलो ऑफ़ यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी एंड अ फेलो ऑफ क्लिनिकल कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी वेलकम डॉक्टर अब्दुल मुहीद टू मी ऑन अच्छा सर जैसा कि हमें पता है कि आज हमने एक इम्पॉटेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है हम आज बात करेंगे पेस्ट मेकर एंड डिवाइस के हवाले से okay. uh, तो एज़ uh, आपका सर स्पेशलिटी है इस तरह के uh, सारी yeah. चीज़ें जो है वो आप अपने डेली रूटीन में कर रहे होते हैं तो सर हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि पेस्ट मेकर है क्या और इसका क्या काम होता है पेस मेकर जिसना इसके नाम से जाहिर है कि यह दिल की पेस का मतलब होता है रफ्तार।, रफ्तार तो ये दिल की रफ़्तार के साथ काम करता है एक पेस मेकर होता है जो कि कुजरत की तरफ से दिया गया होता है जो कि हमारे दिल के अंदर जो एक नस्ब होता है वो पैदाइशी होता है पैदाइश से पहले काम करना शुरू करता है वो और जब तक इंसान हयात रहता है जब तक वो काम करता रहता है वो दिल की रफ्तार को मैनेज करता है जब उसकी रफ़्तार में या उसके काम करने में कोई खलल पैदा हो जाए या वो काम ना कर सक रहा हो या उसमें कोई ख़राबी पैदा हो जाए वो एज के साथ भी होती है बुनियादी तौर पर पे पैदाइशी भी होती है तो अगर वो काम नहीं कर सक रहा होता तो हमें उसको बाहर से कोई सपोर्ट के तौर पर एक और पेस लगाना पड़ता है पेस मेकर सिर्फ दिल की रफ़्तार को कंट्रोल करता है इसको अगर हम डिवाइड करना चाहें तो इस पेस मेकर को हम दो तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं एक तो पेस मेकरस होते हैं और एक होते हैं हाई एनर्जी डिवाइज़ ठीक है पेस मेकर का काम होता है कि वो सिर्फ रफ्तार को कंट्रोल करता है जो हाई एनर्जी डिवाइस होती हैं वो तीन चार चीज़ों को देखती हैं वो हम उन पेशेंट्स के अंदर लगाते हैं जिनकी रफ़्तार के साथ दिल के अंदर कमज़ोरी भी आई हुई होती है जिनके पट्टे कमज़ोर हुए हो हुए होते हैं तो उन सारी चीज़ों को देखते हैं तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसको फिर हम आगे और डिस्कस कर लेते सही हैं।, हैं अच्छा सर ये पेस मेकर तो हम समझ गए कि रफ्तार को जो है वो मेंटेन करता है इसके साथ साथ एक टर्म यूज़ होती है डिफ्रिबलेटर्स की तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है डिफ्रिबलेटर्स हमारे पास हाई एनर्जी डिवाइस के अंदर आती हैंटर्स दो तरह के डिफ्रबिटर्स होते हैं एक तो आई होती हैं और एक सी होती हैं आईसीडी का काम ये होता है आईसीडी के तीन काम होते हैं यूँ समझने आप इसको और आसान कर लें कि ये उन पेशेंट्स के अंदर लगाया जाता है जिनके दिल की कमज़ोरी आ गई होती है जिनके दिल के पट्टे जो हैं वो पैंतीस परसेंट से कम काम कर रहे होंगे जिनकी सांस ज़्यादा पूरी होगी अब दिल की कमज़ोरी किसी भी वजह से आई हो उसके पट्टे कमज़ोर हो गए हैं वाल की कमज़ोरी की वजह से आ गई हो एज की बढ़ने की वजह से भी कभी कभी, कभी एज रिलेटेड चेंजेस भी आ जाती हैं या कोई और किसी बीमारी की वजह से दिल की कमज़ोरी आना दिल के पट्टों में कमज़ोरी आना शुरू हो गई हो तो उसमें फिर हमें एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ जाती है है जो कि काम करती है इसके अंदर जब भी दिल की कमजोरी होती है तो दिल का साइज बढ़ जाता है जब दिल का साइज बढ़, बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसकी रफ्तार में बेतरतीबी आना शुरू हो सकती है अब ये बेतरतीबी कभी कभी लाइफ स्ट्रेटनिंग भी होती है लाइफ स्ट्रेटिंग का मतलब है कि अगर तो दिल की रफ्तार, रफ्तार बेतरतीब हो जाए और विद इन वन मिनट या नाइन्टी सेकेंड्स के अंदर आपने उसको बाहर से बिजली का झटका नहीं दिया तो वो रफ्तार वापस नहीं आएगी और पेशेंट सर्वाइव नहीं करेगा तो ऐसी वाली कंडीशंस के अंदर हम हाई एनर्जी डिवाइसेस लगाते हैं आईएनजी डिवाइसेस, आईसीडीज़ डिवाइस आई सी डीज़ होती हैं आई सी डीज़ होती हैं और सी आर टी डीज़ होती हैं आई सी डी का काम तीन होते हैं कि या तो वो जब पे अगर रफ्तार कम हो जाएगी तो ऐसा पेसमेकर मेकर काम करना शुरू कर देगा रफ़्तार अगर बढ़ जाएगी तो रफ्तार को अंदर ही से अपनी प्रोग्रामिंग करके वो उसको सही करने की कोशिश करेगा ठीक है। अगर तो वो उस पर भी सही कर, नहीं कर सका तो फिर वो अंदर से शौक़ देगा वो तो वैसा ही शौक़ होता है जैसे कि हम बाहर से पेशेंट्स को देखा हो जैसे अपने फिल्मों ड्रामों में देखा जाता है कम से कम वैसा भिल्कुण, तो शौक़ नहीं होता लेकिन उसी तरह से वो शौक दिया जाता है लेकिन ये पेस मेकर अंदर से शौक़ देता है क्योंकि ये अब मरीज़ की रफ्तार कब बेतरतीब होगी हमें नहीं पता ठीक है ना वो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक मिनट के अंदर वो अस्पताल आ भी सके अगर अस्पताल के अंदर भी हुई है तो भी जरूरी नहीं है कि वो एक मिनट के अंदर एमरजेंसी पहुँच सके ठीक है तो अगर तो वो फ़ौर से अगर उनको डिफिलबिलेट नहीं करेंगे तो पेशेंट का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा तो इसीलिए हम उन पेशेंट्स को सेलेक्ट करके उसमें आई लगाई जाती है जिनमें इनकी बहुत ज़रूरत होती है और ये उनकी लाइफ थ्रटिंग चीज़ें हैं ये लाइफ थ्रट को लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें हैं उसको बचाने के लिए शॉक लगाया जाता है इसलिए हम आई लगाते हैं इसमें सही अच्छा uh, डॉक्टर साहब ये बताएं कि कुछ टैंप्ररी पेस मेकर्स होते हैं और कुछ परमानेंट पेस मेकर्स होते हैं तो टेम्प्रेरी पेस मेकर्स के लिए कौन से लोग जो हैं वो एलिजिबल होते हैं और परमानेंट के लिए कौन से लोग जो है पेस मेकर्स एमरजेंसी नहीं है पेसमेकर एमरजेंसी नहीं है जब भी रफ्तार कम होती है तो जो ज़्यादातर वो एकदम से कम हो जाती है कभी हल्के हल्के करके रफ्तार कम नहीं होती कुछ कंडीशंस में होती हैं जिसमें हल्के हल्के रफ्तार कम हो रही होती है पेशेंट उससे कोप कर लेता है या कर नहीं करता तो फिर पेसमेकर नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम वो एकदम से रफ्तार कम हो जाती है तो अगर नॉर्मल जो हमारी दिल की रफ्तार है वो साठ से लेकर आ, सौ तक होती है भागेंगे दौड़ेंगे एक्सरसाइज करेंगे तो एक तक भी चली जाएगी सो रहे होंगे तो पचास तक भी आ जाएगी लेकिन इससे ज़्यादा कम नहीं होती है लेकिन अगर एक पेशेंट जिसकी रफ्तार नॉर्मल अट्ठा अस्सी तक चल रही थी एकदम से वो बीस या पच्चीस के ऊपर आ जाएगी तो पेशेंट सिमटोमेटिक हो जाएगा उसको अलात आना शुरू हो जाएंगी अब दिल की रफ़्तार की कमी की अलामत क्या होती हैं एकदम से चक्कर आना शुरू हो जाएंगे आपको सामने देरा आना शुरू हो जाएगा बैठ के उठेगा तो चक्कर आने शुरू हो जाएंगे और उसकी जो अगर जो हम पल्स देखते हैं वो कम होना शुरू हो जाएगी अगर ऐसी वाली कंडीशन है तो आपने फ़ौर से किसी भी दिल के अस्पताल में आना है और अपनी ई सी करानी है जो भी इसी करेगा वो आपको बता देगा कि दिल की रफ्तार कम है ख़तरे वाली कम है या ये चीज़ें जो हो रही हैं वो दिल की वजह से नहीं हो रही हैं अगर तो दिल की रफ्तार कम होगी तो फिर हमें एक आरजी बैटरी लगानी पड़ेगी पेशेंट को आर्जी बैटरी इसलिए लगाई जाती है कि हम पहले चीज़ें देख लें कि कौन कौन सी वजूहत हैं जिनकी को हम करेक्ट कर सकते हैं कि जिससे हम मरीज़ को परमानेंट पेस से बचा सकें सही। या उसकी तरफ वो ना जाए कोई भी अगर चीज़ है मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जो गुर्दे के मरीज़ होते हैं उनके अंदर नमकियात की कुछ कमी ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से दिल की रफ्तार पे असर पड़ता है तो अगर हम उसको करेक्ट कर दें तो मरीज़ को पर्मांट फेसमेकर की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं तो पहले मरीज़ को आरजी बैठी लगाई जाती है आ, उसमें तकरीबन हम दो से तीन दिन ऑब्जर्व करते हैं वो डिपेंड करता है उसकी कंडीशन के ऊपर अगर तो कोई रिवर्सेबल चीज़ होगी तो हम उसको रिवर्स कर देंगे और आरजी बैटरी निकाल के मरीज़ को घर भेज देंगे ठीक है लेकिन अगर तो मरीज़ के कोई रिवर्सेबल चीज़ हमारे पास नहीं निकलती यार रिवर्सबल डैमेज हम कहते हैं यानी जब परमानेंट डैमेज हो चुका है मरीज़ को तो उसके अंदर फिर मरीज़ को परमानेंट पेस में लगाया जाता है और पर्मानेंट पेस में अगर फिर दूसरे दिन हम देखने के बाद अगर पेशेंट नहीं रिवर्ट हुआ तो फिर उसको पर्मानेट पेस में अगर की तरह मूव कर देते हैं ठीक है अच्छा सर जैसे कि आपने बताया कि कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से जो है वो हम डिसाइड करते हैं कि उसको जो है वो पेसमेकर लगना है या नहीं लगना उसमें नहीं। यही तीन चार सिम्टम्स हैं या कुछ और भी हम ऐड कर सकते हैं जैसे कुछ और नहीं जो बड़े सिम्टम्स हैं वो यही हैं क्योंकि दिल हमारे जिसम दिल है जो है एक पम्प की तरह काम करता है हमारी एक बॉडी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पूरे जिसम को ऑक्सीजन और न्यूट्रेंट की सप्लाई चाहिए एक रेगुलर मेदार के अंदर तो वो जो मकदार है वो ब्लड सप्लाई करता है अब ब्लड को पंप को जो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना है वो काम दिल का है तो अगर तो वो उतनी मिकदार में सर्कुलेट नहीं करेगा तो ये सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे सिम्टम्स यही होंगे कि ज़्यादा चलेंगे सांस फूलेगा दिल ज्यादा चलते हैं भागते हैं दौड़ते हैं रफ्तार बढ़ती है तो रफ्तार क्यों बढ़ती है क्योंकि जिसम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो अगर हम भागेंगे दौड़ेंगे और रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो हमारे पास सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे सिम्टम्स यही आएंगे सांस सामने अंधेरा आएगा खड़ेंगे चक्कर आएंगे ये सारे सिमटम्स होने जाएंगे अगर तो ये चीज़ें मिल रही हैं तो इट्स हाई टाइम कि आप अपने डॉक्टर से मिलें और देखेंगे कि किस वजह से हो रहा है सही है अच्छा सर जैसे अब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है उसको परमानेंट पेस मेकर लग चुका है ठीक है अब वो अपनी पेस मेकर की एक्टिविटी को किस तरह से मॉनिटर करेगा मतलब क्या तरीके कार होगा क्योंकि बेसमेकर की एक्टिविटी को आपने मॉनिटर नहीं करना नहीं करना आपका काम नहीं है ठीक है ना और ये आपको करने की जरूरत भी नहीं। है पेसमेकर इतने एडवांस हैं कि आपको उसको रेगुलर मॉनिटर की जरूरत है ही नहीं ठीक है आपको इनिशियल केयर करनी होती है जब पेसमेकर लगा के यहाँ पेशेंट को घर भेजते हैं तो इनिशियल केयर होती है और फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म केयर होती है लॉन्ग टर्म के, इनिशियल केयर में ये है कि ये छोटा सा पेसमेकर होता है स्टील की डिवाइस होती है जो कि स्किन के नीचे लगाई जाती है नॉर्मली आपके लेफ्ट साइड पर लगाई जाती है नॉन डोमिनेंट हैंड के तो हम लगाते हैं अगर तो आप राइट ही हैं तो लेफ्ट साइड पर लगाएंगे अगर आप राइट लेफ्ट साइड से काम करते हैं तो आपको राइट साइड से लगाई जाएगी ताकि नॉन डोमिनेंट हो ताकि वो हिस्सा आपका ज़्यादा मूव ना करें और स्किन के नीचे लगाई जाती है तो छोटा सा कट लगा के लगाया जाता है तो इनिशियल जो केयर होती है जो तकरीबन सेवन टू टेन डेज़ की होती है वो वून केयर होती है कि जो जख़म होता है उसमें टाँके लगे हुए होते हैं वो आपने क्लीन रखना है उसको गीला नहीं होने देना एक हाथ हफ्ते के अंदर वो आ, स्टिचिंग आपकी ख़त्म हो जाती है वो हील हो जाता है तो उसके बाद और कुछ खास केयर नहीं करनी होती ऊन केयर करनी होती है लेफ्ट साइड पे अगर लगाया तो लेफ़्ट साइड पे आपने सोना नहीं है हाथ को ज़्यादा ऊपर नीचे करना नहीं है ताकि वो एक जगह अपनी जगह बना ले हील हो जाए, जाए, पॉकेट बन इसकी उसके बाद आपको कोई केयर हम, हम तो लेफ्ट पे लगता है तो आप लेफ्ट साइड पे करवट लेके सो सकते हैं हाथ ऊपर नीचे कर सकते हैं वजन उठा सकते हैं घर में सारे काम करें कुछ नहीं होगा पेस मेकर को अच्छा तो ये सारी जो मिट्स हैं कि जिसको डिवाइस लगी है वो घर में हैवी आइटम्स नहीं नहीं उठाए कुछ नहीं होगा चूल्हे के पास ना जाए कुछ इस तरह नहीं की। होगा आप सारी इलेक्ट्रिकल यूज़ कर सकते हैं लेफ्ट हैंड से भी मशीन चलाएं मोटर चलाएं बटन खोने बंद करें बारिश में नहाए जो मर्जी करना है करें पे इस मेकर को कुछ नहीं होगा एक जो चीज़ केयर करनी है वो ये चीज केयर करनी है कि मोबाइल जो है वो आप अपनी लेफ्ट एयर से यूज नहीं करेंगे मोबाइल जब आप यूज़ करते हैं जब उसमें कॉल्स आती हैं जिसको वर्क एज अ मैगनेट ठीक है तो पेस मेकर को आपने मैगनेट से तकरीबन सिक्स इंच के डिफरेंस के ऊपर रखना है तो इट्स बेटर कि आप उसको लेफ्ट एयर पर यूज़ ना करें राइट एयर पर यूज़ करें और अगर दोनों कान <laughs> से सुनना है स्पीकर फोन पर रख के जरूर बात करने की जरूरत है जरूरी नहीं है कि आपका पूरा घर सुने कि आप क्या बात कर रहे हैं तो आप जो है वो एयर फ्रीज लगाएं और उसके बाद आप इस्तेमाल करें अच्छा कर वो लगा सकते हैं हम ईयरफोन एयरफोन लगा सकते हैं उसमें इतना इश्यूज नहीं होता इट्स बेटर कि आप केबल वाला एयरफोन यूज़ करें आप मैग्नेट वाला एयरफोन वाला ना।, ना करें उसमें आप यूज़ करें या बेटर कि आप जो जो है राइट साइड पे जाके फ़ोन यूज़ कर सकते हैं एम आर डिवाइस पर डिपेंड करता है कि कौन सी डिवाइस है जिसमें एम करा सकते हैं और उसमें एम आर नहीं करा सकते तो जब भी बेसमे का लगता है वो आपको बताते हैं वो आपको डिवाइसेस देते हैं बॉक्सेस देते हैं सब कुछ बता देते हैं कि कस किस डिवाइस के साथ एम करा सकते हैं किसके साथ एम आर नहीं, नहीं करा सकते एक तो चीज़ ये दूसरा सिक्योरिटी गेट्स सिक्योरिटी गेट्स हमारे पास बहुत सारे मॉल्स में लगे होते हैं एयरपोर्ट्स में लगे हुए होते हैं आपने बेसमे का लगा दिया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ना पकड़ के साइड पर बैठ जाए जस्ट यू हैव टू लिव अ नॉर्मल लाइफ तो नॉर्मल लाइफ गुजारें ट्रैवल करें जो मर्ज़ी करना है करें आपको एक कार्ड दिया जाता है हमेशा या है। जो पेस मेकर के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो दिए जाते हैं वो आप अपने साथ रखें और ट्रैवल करें जो सिक्योरिटी गेट्स होते हैं उसके अंदर से आप नहीं गुजरेंगे क्योंकि सिक्योरिटी गेट्स में अगेन एक मैग्नेटिक फील्ड होती है उस मैग्नेटिक फील्ड से आपको अवॉइड करना होता है आप अपना कार्ड दिखाएंगे ये इंटरनेशली रिकमेंडेड रूल है कि आप अपना उसको कार्ड दिखाएं वो आपको सिक्योरिटी चेक थ्रू द गेट नहीं करेगा वो एक मैनुअल चेक करेगा वो एन हो जाएगा वो आपको मैनुअल चेक करेगा या वो हैंड डिटेक्टर से चेक करेगा उसकी फ्रिक्वेंसी कम बैटरी भी कम होती है

अगर आप ऐसी व्हील में जाएंगे तो वो खुद सिक्योरिटी चेक के ऊपर चला जाएगा और खुद सेफ्टी लगा देगा अपने ऊपर बट इट्स बेटर कि आप उन जगहों पर ना जाए या उसमें जो, जो हैं वो आपने करनी है लेकिन पेस सेफ इट्स वेरी सेफ तो वो इतनी जल्दी खराब नहीं होता तो उसमें आपको उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है लेकिन आपने एहतियात रखनी है ठीक तो मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही सारी एहतियात छोड़ देंगे पेस में अगर खुद ही अपने सारे काम करें तो ऐसा तो नहीं अच्छा डॉक्टर साहब मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है एक आ, दो सवाल हैं बेसिकली एक तो ये है कि पेस मेकर का जो रिप्लेसमेंट टाइम है या इसका अपग्रेडेशन होता है कुछ क्या इसका क्या तरीके का है या होता भी है नहीं होता है या फिर ये परमानेंटली लगा रहता है परमानेंट पेस मेकर हम कहते तो उसको परमानेंट पेसमेकर लेकिन ये परमानेंट नहीं होता एक चीज़ होती है जो जो नेचर ने बनाई है जो अल्लाह ने दी हुई है ठीक है ना अगर वो उसमें कोई फॉल्ट आ गया तभी आप एक आर्टिफिशल चीज़ लगा रहे हैं लेकिन आर्टिफिशल लाइफ उसकी एक लाइफ होगी उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी ये पेस है ये रिचार्ज नहीं होता है ठीक है ना ये नहीं होता है ये जो कंसेप्शन लेके लोग हमारे पास आते हैं कि ये पेस मेकर चेक कर दें आप उसके ऊपर मैंडेट लगाएंगे वो चार्ज हो जाएगा ये चार्ज नहीं होता है इसकी एक अपनी स्पेसिफिक लाइफ होती है वो डिपेंड करती है कि पेस मेकर इस्तेमाल कितना हो रहा है अगर आपकी अपनी पे... थोड़ी धड़कन आ रही है थोड़ी पेस मेकर काम कर रहा है तो फिर ज़्यादा चल जाएगा अगर आप बिल्कुल ही पेस मेकर डिपेंडेंट हैं तो वो भी तकरीबन सात से आठ साल ये आराम से निकाल लेता है ठीक है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने सात आठ साल के बाद ही हमारे पास आना है चेक कराने के लिए आपने इयरली इसका एक रेगुलर फॉलोअप रखना है जैसे ही पेस मेकर होना शुरू हो जाता है जो भी आपका डॉक्टर होगा वो आपको बता देगा कि जी अभी वीक होना शुरू हो गया है अब इसके चेंज होने का टाइम आने वाला है और जो भी इसका मुनासिब टाइम होगा वो आपको उसको बता देंगे नॉर्मली जब पेसमेकर हम चेंज करते हैं यानी कि जब उसकी लाइफ ख़त्म होने वाली है उसको बिल्कुल एंड तक लेके नहीं जाया जाता है, कि जब वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम चेंज करेंगे वो तकरीबन दो तीन महीने का मार्जिन होता है उसमें हम इसको इलेक्टिवली चेंज कर देते हैं तो वो पहले की तरह का प्रोसीजर नहीं होता क्योंकि पहले हमने एक पेसमेकर होता है एक डिवाइस होती है एक तार होता है जो कि दिल के अंदर तक जा रहा होता है तो नॉर्मली जो होता है अब जब हमने चेंज करना है तो हमने जो पुराना तार है उसको चेंज नहीं करेंगे अगर वो ख़राब नहीं होगा तो तो सिर्फ आपने पेस मेकर चेंज करना है पेस मेकर ऊपर एक एक से दो सेंटीमीटर का कट लगेगा पेस मेकर बाहर निकालेंगे वो शुरू के साथ तार से अटैच होता है वो उसको अटैच करके न्यू बैटरी लगा के पुरानी बैटरी की जगह पे लग के उसको दोबारा से स्टिचिंग हो जाएगी अब वो अगेन सेवन टू एट ईयर्स तक मूव करना शुरू हो जाएगा ये होता है लेकिन आपको रेगुलर फॉलोअप करना होता है ताकि हमें पता चल जाए कि पेस मेकर सही काम कर रहा है इट्स मशीन ख़राब हो सकती है तो अगर तो कुछ हो अंदर उसके अंदर हो रहा है कोई फॉल्ट आ रहा है तो हमें पहले पता चल जाएगा तो हम उसको उस तरीके से करेक्ट भी कर सकते हैं नॉर्मली आते नहीं हैं, लेकिन एट उसके रेगुलर चेकअप हमें रखना होता है इसके अंदर पेशेंट टू पेशेंट वेरी पेशन्ट तो वेरी पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है साल में एक दफा चेकअप कोई बड़ी बात नहीं आपने जब इतनी महंगी डिवाइस लगाई है, तो थोड़ी तो सी केयर भी करें साल में एक दफा लाकर दिखा दिया करें और जो भी चीज़ होगी वो उसको हम बताते रहेंगे उसको अपडेट करते रहेंगे इस तरीके से सही yeah. अच्छा डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच पहले तो के फॉर टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केजल और आप हमारे शो yeah. में आए लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड लाइक कि आप हमारी ऑडियंस को एक मैसेज दें कि हाउ टू मेंटेन अ लाइफ स्टाइल अलॉन्ग विध पेस मेकर और किस तरह से वो अपनी लाइफ स्टाइल को जो है वो फॉर uh, लेकिन आप लोगों ने बुलाया आप लोगों से बात करके लोगों को कुछ इन्फॉमेशन देने का मौका मिला पेस मेकर को अपने सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है पेस मेकर आपको सहूलत देने के लिए बनाया गया इसको हमने इसलिए नहीं लगाया पेस मेकर आपको बैटरी लगा के कोई इसलिए नहीं घर भेजा कि आप जो है वो कोना पौड़ी घर भेजें पेस मेकर हमने आपको इसलिए लगाया है ताकि आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें आप अपनी ज़िंदगी सारे काम कर सकते हैं ज़िंदगी के घर के नॉर्मल लाइफ गुजारें आपको पेस मेकर की ज़्यादा एहतियात करने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें करके एहतियात क्या है बस इसको आपने साफ रखना है और रेगुलर फॉलोअप कराते रहना है ज़िंदगी के सारे काम करें ज़िंदगी को इन्जॉय करें इसमें अगर आपके लिए लगाया गया थैंक यू सो मच थैंक यू ऑडियंस फॉर वॉचिंग सेहत शो रखे दिल का ख्याल